आप सभी को मेरे आदर्श ओजस्वी मनस्वी तपस्वी यशस्वी महापुरुष स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती पर आप सभी का मैं हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 12 जनवरी जैसा कि आपको पता है स्वामी विवेकानंद का आज जन्म दिवस है। उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि युवा दिवस है क्या, क्या है युवा दिवस। 12 जनवरी अर्थात युवा चरित्र की संक्रांति का शुभ मुहूर्त। युवा दिवस का अर्थ है युवाओं की सभ्यता के सूर्य को नमन करने का गौरवशाली दिन। इस सूर्य का नाम है स्वामी विवेकानंद, जो प्राची में उगा और उसका आलोक पूरे विश्व में फैल गया। और इसी युवा दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं युवाओं का ही आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि समाज की आधारशिला युवा शक्ति पर चलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, और यही आह्वान स्वामी विवेकानंद भी करते हैं। रूढ़ियों के विरोधी एक स्वस्थ परंपराओं के पोषक स्वामी विवेकानंद वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र और गीता ज्ञान के तत्वज्ञानी थे। वो ज्ञान कर्म और शांति के ऐसे संगम थे कि उनके विचारों के संपर्क में आते ही सांसारिक मोह माया के अंधकार में सारे मार्ग प्रकाशित हो जाते थे। वे योग्य गुरु के योग्य शिष्य थे। उनको यदि आधुनिक कलाकार ऋषि कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद का नाम आंखों के सामने आते ही भारत की उस महान विभूति का चित्र आंखों के सामने उभरता है, जो अपनी प्रतिभा और बुद्धि कौशल में भारतीय विभूतियों में सबसे अग्रणी है। उनकी तुलना करना कठिन है। वे हिंदू जाति को अपनी राष्ट्रीय भूमिका के लिए सबल और गौरवान्वित देखना चाहते थे। साथ ही भारत भूमि से अशिक्षा, अज्ञान, अकर्मण्यता और निर्धनता को दूर करने का भी उनका उद्देश्य था। यही कारण है कि उन्हें यदि व्यक्ति न कहकर युग दृष्टा और युग प्रवर्तक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद का भौतिक शरीर दिव्य था, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि सर ने भी बताया। उनकी काया पुष्ट और तेज से भरपूर थी, और उनका चौड़ा माथा पूरे भारत के सुवर्ण भाग्य के लेख सा था। वे नहीं चाहते थे कि इस देश में एक भी व्यक्ति नंगा, भूखा या तंगहाली में रहे। वे ऐसे महान भक्त थे कि जिनके विशाल कंधे सारे राष्ट्र का भार उठाने में समर्थ थे। और ऐसे ही कंधों के निर्माण करने के लिए मैं कहना चाहूंगा, कथानक कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे दाता, ये राघव मांगता तुझसे। मेरे ईश्वर, मेरे दाता, ये राघव मांगता तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। और स्वामी विवेकानंद को समझना, उन्हें जानना हो, उनके वैचारिक मतों को समझना हो, विवेकानंद की आत्मा को समझना हो, तो आप खुद विवेकानंद बन करके उन्हें समझने का प्रयत्न करिए। उनका राष्ट्र प्रेम, योग साधना के चरण, उद्देश्य और उनकी शिक्षा पूर्णतः समझ में आ जाएगी। और आज मैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत के उस पूज्य भगवे को ओढ़कर मैं आप सब से विवेक संवाद करने के लिए आया हूं। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो मैंने आपके लिए सोची है। और आज से एक शताब्दी पहले मैंने उन सारी बातों को कहा था। दुनिया में लोग मुझे विवेकानंद के नाम से जानते हैं। कोई मुझे सन्यासी कहता है, कोई परमहंस का चेला कहता है, कोई कहता है ढोंगी है, कोई कहता है मातृभक्त। मेरे शिष्य मुझे स्ट्रिक्ट मास्टर कहते हैं, और माँ मुझे अपना प्यारा बेटा। कई लोग तो मुझे अच्छा रसोइया भी कहते हैं, क्योंकि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं। शायद आपको ये बात पता ना होगी, मेरा नाम है नरेंद्र दत्त। मैं 12 जनवरी 1863 में
कायस्थ उच्च वर्गीय परिवार के कलकत्ता में एक वकील परिवार में पैदा हुआ। परिवार बड़ा था, रिश्तेदार भी साथ में रहते थे। मां ने मेरा नाम रखा था नरेंद्र। मेरा जन्म काशी के बाबा विश्वनाथ की मनौती के बाद हुआ था। मेरे जन्म के संबंध में कहा जाता है कि एक रात मेरी मां ने सपने में देखा कि भगवान शंकर अपने तांडव नृत्य की मुद्रा में उनके सामने खड़े हुए। देखते ही देखते भोलेनाथ ने अपना नृत्य आरंभ कर दिया और इसी मुद्रा में उनका कद छोटा होते चला गया, यहां तक कि वे एक शिशु का रूप में ढल गए और अगले ही कुछ पलों में मेरी मां की गोद में आ बैठे। इसीलिए कहते हैं बचपन में मैं बहुत उग्र स्वभाव का था, बात बात में क्रोधित हो जाता था, तब किसी के नियंत्रण में ना आता था। तब मां भुवनेश्वरी देवी मेरे सिर पर जल डालती थी और शिव 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 कहती थी, तब मेरा क्रोध शांत हो जाता था। बचपन के दिनों में मैं बहुत शरारती था, नटखट था। मां से मैंने अंग्रेजी सीखी, संस्कृत सीखी, हिंदी सीखी। मेरे पिता विश्वनाथ दत्त को अधिक अवकाश नहीं था, वो व्यस्त रहते थे। उनकी बैठक में कुछ हुक्के रहते थे, अलग अलग जाति धर्म के लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। मैंने कहा, माँ ये अलग अलग हुक्के क्यों रखे हैं? माँ ने कहा, अलग अलग जाति और धर्मों के लोगों का अपना मानना होता है, किसी की छूत किसी को ना लग जाए, इसीलिए हुक्के अलग अलग रखे हैं। मैं जब चौथी कक्षा में था तो मैंने प्रत्येक हुक्के को बारी बारी से पी करके देखा, शायद मेरी जात चली जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तब मुझे विश्वास हुआ, ये जात पात, ये पंथ, ये संप्रदाय, ये कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है मानवता, करुणा, विश्व कल्याण की भावना। मैंने कहा था, मनसा वाचा कर्मणा जग हिताय बनना पड़ेगा। तुमने पढ़ा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मैं कहता हूं दरिद्र देवो भव मूर्ख देवो भव। दरिद्र मूर्ख अज्ञानी और कातर व्यक्ति ही तुम्हारे लिए देवी देवता हैं। उन्हीं की सेवा को तुम अपना परम धर्म समझो। मेरा जीवन ही सत्य के लिए है, सत्य कभी भी मिथ्या का साथ मिथ्या का मेल नहीं करेगा। यहां तक कि यदि दुनिया भी मेरे विरोध में खड़ी हो जाए तो भी अंत में सत्य की ही विजय होगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी चीज है मानवता, करुणा, विश्व कल्याण की भावना। लेकिन लेकिन पढ़ाई खत्म होने तक एक आम नौजवान की तरह मैं कुछ विदेशी सभ्यता से भी आक्रांत था। आपको तो मालूम ही है उस समय अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासन द्वारा थोपा अंग्रेजी शिक्षा, जिसका मैं मुखर विरोधी था। मैं ऐसी शिक्षा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। मैं ऐसे शिक्षा के पक्ष में था जो आदमी को मनुष्य बनाए। मैं जब देश दुनिया देख रहा था तो मैंने देखा यूरोप के अनेक नगरों में वहां के गरीबों तक के लिए अमन चैन और शिक्षा की सुविधाओं को देखकर मेरे मन में अपने देश के गरीबों की दशा का दृश्य खिंच जाता था। ऐसा अंतर क्यों हुआ? उत्तर मिला, शिक्षा। शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से अंतर्निहित ब्रह्म भाव जाग उठता है। और मैं ये कहता हूं, शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति करनी है, हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात करके उनके अनुसार अपने जीवन और अपने चरित्र का निर्माण कर लेते हो तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता है तब तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते और विश्वकोश महान ऋषि बन जाते। वो शिक्षा जो
जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती, जो उनके चरित्र शक्ति का विकास नहीं करती, जो उनमें भूत दया का भाव और सिंह सा साहस पैदा नहीं करती, क्या उसे भी हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं? नहीं, हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक वीर्य बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिसे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशी अधिकार से स्वतंत्र रहकर अपने निजी ज्ञान भंडार के विभिन्न शाखाओं का और उसके साथ ही अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करें। हमें यांत्रिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है जिनसे उद्योग धंधों की वृद्धि और विकास हो, जिसे मनुष्य नौकरी के लिए मारा मारा फिरने के बदले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए कुछ संचय कर सके। और इसी जद्दोजहद में मैं भी कॉलेज से पास आउट हुआ। कॉलेज पास करने के समय ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैं दर दर भटकता रहा, इतना भटका कि मैं थक गया। मुझे लगा कोई लाइब्रेरियन या क्लर्क की छोटी सी नौकरी कर लेनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, सुख और दुख ज्यो ज्यो उसकी आत्मा पर से होकर गुजरते हैं, वे उस पर अपनी अपनी छाप या संस्कार छोड़ जाते हैं। और हम वो जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है, प्रत्येक विचार शरीर पर लोहे के टुकड़े पर हथौड़े की हल्की चोट के समान है, और उसके द्वारा हम जो बनना चाहते हैं बनते जाते हैं। वाणी तो गौड़ है, विचार सजीव होते हैं, उनकी दौड़ बहुत दूर तक हुआ करती है। अतः तुम अपने विचारों के संबंध में सावधान रहो। भलाई और बुराई दोनों का चरित्र गठन में समान भाग रहता है, और कभी कभी तो सुख की अपेक्षा दुख ही बड़ा शिक्षक होता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें, तो मैं कह सकता हूं कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र्य ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं स्तुति की अपेक्षा आघातों ने ही उन्हें चारित्रिक ज्ञान की अग्नि में समाहित किया है। विलास और ऐश्वर्य की गोद में पलते हुए, गुलाबों की शैया पर सोते हुए और कभी भी आंसू बहाए बिना कौन महान हुआ है? जब हृदय में वेदना की टीस होती है, जब दुख का तूफान चारों दिशाओं में गहराता है, तब मालूम होता है कि प्रकाश अब और न दिखेगा। जब आशा और साहस नष्ट प्राय हो जाते हों, तभी इस भयंकर आध्यात्मिक झंझावात के बीच अंतर्निहित ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है। अब इसी झंझावात के बीच किसी ने मुझसे कहा कि दक्षिणेश्वर जाओ और राम कृष्ण परमहंस से मिलो। मेरे गुरुदेव राम कृष्ण परमहंस, मैं जो भी कह रहा हूं वो उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं उनको उनका संदेश फैलाने आया हूं। मेरे गुरु, आप लोगों में से बहुत कम लोग उनका वास्तविक नाम जानते होंगे। संन्यास से पहले उनका नाम था गजाधर चटर्जी। गजाधर चटर्जी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस से मैं मिला। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि मैं किसी अपने पूर्व जन्म के किसी आदर्श से मिल रहा हूं, और उन्होंने भी मुझे देखते हुए कहा कि नरेंद्र, इतने जन्मों से तेरी प्रतीक्षा थी, तू आ गया, तू इतने दिनों तक मुझे भूला कैसे रहा? ये सुनते ही सहसा मेरे मुंह से निकला कि क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही मैंने भगवान को देखा है, आ मेरे पास बैठ। गुरु रामकृष्ण देव के चरणों में बैठना एक आनंद का परिचायक था।
मैंने निश्चय किया कि मैं अब संन्यास लूंगा। मैंने पिता से मन ही मन आज्ञा मांगी, माता को अपना गंतव्य बताया। मेरी माँ भुवनेश्वरी देवी बहुत विशाल हृदय की महिला थी, उन्होंने सहज ही इसकी अनुमति दी। इस प्रकार मैं रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बन गया। रामकृष्ण परमहंस दिन रात प्रवचन दिया करते थे। बंगाल के गिरीश घोष और आर्य समाज के संस्थापक लोग, आदि आदि मतों के लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे, उनकी उनसे बहस करते थे। उनको गले का कैंसर हो गया, लेकिन लगातार गले के कैंसर के कारण लगातार मुंह से खून आने के बाद भी वे प्रवचन देना बंद नहीं करते थे। वो बोलते थे, ये माँ काली जब तक शक्ति है मैं बोलता रहूं और इस जगत का कुछ कल्याण हो जाए। मेरे गुरु ने मुझे बताया, समाधि और ध्यान एक सीमा तक ही ठीक है। अगर तुम किसी मनुष्य की मदद करो तो शायद बड़ी बात है, किसी भूखे को खाना खिलाओ वो ज्यादा बड़ी पूजा है, किसी अंधे को सड़क पार करवाओ वो सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। धर्म का अर्थ है मनुष्य का स्वयं से साक्षात्कार, अपने से मिलना और उस मानव जीवन का गूढ़ समझना, धर्म समझना, उद्देश्य समझना। गुरुदेव महासमाधि को प्राप्त हुए। हम सब विक्षिप्त थे, शोक मद में चुपचाप अश्रु बहाते रहे। उसके बाद समस्या पैदा हुई कि मेरे जैसे रामकृष्ण के चेले जाए तो जाए कहां। तब हमने कलकत्ता के वराह नगर में एक छोटा सा पुराना खंडहर पड़ा मकान किराए पर ले लिया और उसमें आश्रम की स्थापना की। लेकिन जैसा कि हर जगह होता है, कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि कुछ लोग अगरबत्ती जलाने और आरती करने में ही व्यस्त हो गए। वे राम कृष्ण देव परमहंस को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने निश्चय किया कि सब कुछ छोड़कर एक परिराजक संन्यास की भांति घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करूंगा और मेरे गुरुदेव की शिक्षा का प्रचार प्रसार करूंगा। और जब मैं विश्व भ्रमण पर निकला तो मैंने देखा कि यदि इस पृथ्वी तल पर कोई ऐसा देश है जो मंगलमयी पुण्यतिथि कहलाने का अधिकारी है, ऐसा देश जहां संसार के समस्त जीवों को अपने कर्म फल भोगने के लिए आना ही है, ऐसा देश जहां ईश्वरोन्मुख प्रत्येक आत्मा का अपने अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहुंचना अनिवार्य है, ऐसा देश जहां मानवता ने उदारता, शुचिता एवं शांति का चरम शिखर स्पर्श किया हो, तथा इस सबसे आगे बढ़कर जो देश अंतर्दृष्टि एवं आध्यात्मिकता का घर हो तो वो देश भारत ही है। और जब भारत का सच्चा इतिहास लिखा जाएगा तब ये सिद्ध हो कि धर्म के विषय में और ललित कलाओं में भारत सारे विश्व का प्रथम गुरु कहलाएगा, प्रथम गुरु लिखा जाएगा। परंतु हमें जिस चीज की आवश्यकता है, हमें किस चीज की आवश्यकता है, मैंने देखा अपने युवाओं को, मैंने कहा कि वो है लोहे की मांसपेशियों और फौलाद के स्नायु, प्रचंड इच्छा शक्ति जिसका अवरोध दुनिया की कोई ताकत न कर सके और जिस उपाय से भी हो अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में असमर्थ हो, फिर चाहे समुद्र तल पर ही क्यों ना जाना पड़े, साक्षात मृत्यु का सामना क्यों ना करना पड़े। और मैंने देखा भारत में सभी नेता बनना चाहते हैं, पीछे चलने वाला कोई नहीं है, हमारी ईर्ष्या का क्या ठिकाना है, जितने कमजोर हैं उतने ही ईर्ष्या परायण। जब तक ईर्ष्या द्वेष का अंत नहीं होता, एक समाज संगठित नहीं हो सकता, तब तक हम यूं ही बिखरे रहेंगे। मैंने देखा वर्तमान परिदृश्य में धर्म न वेद में है, न पुराण में है, न भक्ति में है, न मुक्ति में है, धर्म सिर्फ और सिर्फ चूल्हे और
चौके में रह गया है। मौजूदा धर्म न विचार मार्ग में न ज्ञान मार्ग में। आत्मा वत सर्वभूतेश क्या सिर्फ पोथी में ही धरा रहेगा? जो मुट्ठी भर अन्न भी गरीब को ना दे सके वो मुक्ति क्या देंगे? जो दूसरे की हवा लगने से अशुद्ध हो जाते हो वे औरों को क्या पवित्र करेंगे? ये सब एक प्रकार की मानसिक व्याधि है, इससे ही बचकर रहना चाहिए। मैं ना मुक्ति हूं, मैं ना मुक्ति चाहता हूं, ना भक्ति, मैं महारौरव नरक में भी जाने को तैयार हूं। वसंत वल्लो का हितम चरक। वसंत जिस प्रकार संसार का भला करता है उसी तरह से भलाई करते रहना मेरा धर्म है। और इस संसार में स्वार्थ परता ही अनीति है और निस्वार्थ परता नीति। मुझे मानने वालों, प्रेम और दया से सारा संसार खरीदा जा सकता है, व्याख्यान पुस्तके तथा दर्शन आदि से नहीं। और जिसे लोग अदृश्य कहते हैं वे सिर्फ ईश्वर की इच्छा है। जिस प्रकार घिसकर आग की उत्पत्ति होती है वैसे ही ब्रह्म को मथ कर प्रकाश किया जा सकता है। और जो विद्वान पाप रहित काम वासनाहीन श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञाता है वही सच्चा सदगुरु है। सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, न जन्म है न मृत्यु, न दुख है न कष्ट है, न नर हत्या न कोई परिमाण, न भला है न बुरा है, जो कुछ भी है ब्रह्म ही ब्रह्म है। हमें रस्सी में सांप का भ्रम हो गया है, भ्रम हमारा ही है, परंतु भारत फिर उठेगा, किंतु केवल शारीरिक शक्ति से नहीं अपितु आत्मा के बल से। विध्वंस की पताका के नीचे नहीं, शांति और स्नेह के उस ध्वज को लेकर जो सन्यासी के वेश का प्रतीक है। अपने आंतरिक देवत्व का आवाहन करो जो तुम्हें भूख प्यास सर्दी गर्मी सहने की शक्ति प्रदान करेगा। भोग विलास युक्त घरों में रहना, जीवन के समस्त सुखों से घिरे रहना और एक तुच्छ विकसित धर्म को पकड़े रहना अन्य देशों के लिए भले ही ये उपयुक्त हो किंतु भारत के पास सभी चेतना है। ये सहज बुद्धि से ही ढों को पहचान लेता है। तुम्हें इसे त्यागना होगा। महान बनो, त्याग के बिना कोई भी महान कार्य होना संभव नहीं है। अपने सुखों की, आनंदों की, अपने यश की, प्रतिष्ठा की, यहां तक कि अपने प्राणों की भी आहुति देनी हो और मानव आत्माओं का ऐसा सेतु बांध दो जिस पर होकर ये करोड़ों नर नारी भाव सागर को पार कर जाए। सत्य की समस्त कठिनाइयों को एकत्र करो। ये चिंता मत करो कि तुम किस पताका के नीचे चल रहे हो। ये भी चिंता मत करो कि तुम्हारा वर्ण क्या है, लाल हरा या नीला, बल्कि सब वर्णों को मिला दो, उन्हें स्नेह के प्रतीक श्वेत रंग का प्रखर तेज उत्पन्न करो। हम केवल कर्म करें, परिणाम अपनी चिंता स्वयं करेगा। मैं भविष्य दृष्टा तो नहीं हूं, ना मैं उनके लिए चिंतित हूं, किंतु एक दृश्य मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी प्राचीन मातृभूमि एक बार पुनः जाग उठी है। वो नव यौवन प्राप्त कर पहले से कहीं अधिक भव्य दीप्ति के साथ अपने सिंहासन पर बैठी हुई है। समस्त संसार को शांतिपूर्ण और मंगलमय वाणी के साथ उनको संदेश सुनाओ। और उसी समय सर्वधर्म सम्मेलन की चर्चा चारों ओर थी और सनातन धर्म की तरफ से लोग मुझे शिकागो भेजना चाहते थे। उन्हीं दिनों भारतवर्ष के अंतिम छोर पर कन्याकुमारी पहुंचा था। कन्याकुमारी ने एक चट्टान समुद्र में देखी। मैं तैर कर वहां पहुंच गया और
ध्यान मग्न हो सूर्य की ओर देखता रहा, सूर्य की ओर एक टक देखता रहा। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। दूर मुझे उस सूर्य के केंद्र में खड़े अपने गुरु रामदेव कृष्ण परमहंस साक्षात दिखे। वो मुझे पश्चिम दिशा की ओर जाने का संकेत कर रहे थे। मैं गुरु का मंतव्य समझ गया। गुरु चाहते थे कि वेदांत और भारतीय दर्शन की व्याख्या मैं जाकर विदेशों में करूं, जहां के लोग हमें मदारियों, सांपों, चूहों वाला देश समझते। गुरुदेव चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, जब मैं धर्म के प्रचार प्रसार में निकला था तो मेरे खेतड़ी के राजा, अल्मोड़ा के राजा और दक्षिण के कई राजा मेरे मित्र बने थे। उन्होंने बहुत मदद की थी और उन्होंने ही मेरी टिकट की व्यवस्था की, उन्होंने ही विदेश जाने की मेरी टिकट की व्यवस्था की थी। मैं तो ठहरा साधु संन्यासी, कहां इस मोह माया में फंसा रहता। मेरे पास तो धनोपार्जन की कोई सीमा ही नहीं है, मैं कहां से टिकट की व्यवस्था करता। फिलहाल मैं शिकागो पहुंचा, सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में सभी मत के लोग थे। मैंने देखा व्यर्थ ही खासकर युवा वर्ग विदेशी बातों की चर्चा में व्यस्त थे। मेरे युवाओं, आज युवा दिवस मनाने का अवसर ऐसे ही नहीं है। मैं आपको अपने जन्मदिन के अवसर पर ये बताने आया हूं कि विवेकानंद होने का अर्थ क्या है, सही मायने में विवेकानंद होने का अर्थ क्या है। मैं कोई साधु संन्यासी पारंपरिक अर्थों में नहीं हूं, मैं कोई समाज सुधारक या शास्त्री नहीं हूं, ना ही कोई आचार्य। मैं तो सिर्फ रामकृष्ण परमहंस का एक अनुचर मात्र हूं, और यह अनुचर आपको आज 1893 के उस भाषण को दोहराता हूं। माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आज मेरा हृदय आनंद और हर्ष से भाव विभोर हो चुका है। मैं आपको अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की तरफ से, सनातन धर्म की परंपरा की ओर से और कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। इस मंच से बहुत सारे धर्म मतानुयायियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके धर्म ने समस्त देशों में सहिष्णुता का पैगाम फैलाया है। हाँ, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं ऐसे सनातन धर्म और आर्य संस्कृति का वाहक होने में गर्व का अनुभव करता हूं, जिससे दुनिया के सभी धर्मों को सहिष्णुता सिखाई, बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से स्वीकृत किया है। हमारे देश में ही विभिन्न धर्म पनपे हैं। जिस समय रोमन जाति के अत्याचारों के द्वारा यहूदियों का मंदिर भस्मसात हो गया था, तब उसी शताब्दी में दक्षिण में हमारे आर्य भाइयों ने अपने वक्षस्थल पे उन्हें जगह दी। इसके साथ साथ जरथुस्त्र ने कि महान संतानों को भी हमने भारतवर्ष में स्थान दिया। हमने पारसियों को भी अपने भारतवर्ष में एक स्थान दिया। हमारे वेदों में कथन है, नदी हो, नाला हो, मेड़ा हो, चौड़े सपाट या तंग रास्तों से गुजरता हो, अंत में जाकर सब महासागर में ही विलीन हो जाते। और ऐसे में शिकागो धर्म सम्मेलन से मुझे गीता का उद्घोष याद आता है, जो भी जैसा भी जिस भी मार्ग से मुस्तक आता है वो अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाता है। और यही था भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता में संदेश। और जब आज दुनिया मानव रक्त से दुनिया सींच दी गई है, सभ्यताएं कुचली जा रही हो, आतंकवाद से, जातिवाद से,
धर्मांधता से आक्रांत हो तो इस उद्घोष की पुनः आवश्यकता है। और युवाओं ये तुम्हें ही करना है, ये उद्घोष तुम्हें ही करना है। और विदा लेने से पहले मैं सामवेद का श्लोक जरूर सुनाऊंगा। ना जन्म हूं, ना जन्म हूं, ना मृत्यु हूं, ना सुख हूं, ना दुख हूं, मैं अखंड सच्चिदानंद शिव हूं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, न माया न मोह न बंधन, न परम न विरक्ति न वैराग्य, न आचार्य हूं, न गुरु हूं, न शिष्य हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सुन पा रहे हैं मेरी? या आप पवन बोलो। यस सर। सर आपने जो व्याख्यान दिया सर बहुत ही अच्छा लगा। इसके शब्द नहीं हमारे पास बोलने के लिए। लेकिन महोदय में आपके द्वारा जो व्याख्यान दिया गया वो हमें ऐसा लग रहा था कि साक्षात स्वामी विवेकानंद जी के प्रकट होने की अनुभूति करवा रहा था। महोदय आपके विचार की अगर हम बात करें तो ये बहुत लाभान्वित है और हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। और मुझे लगता है आपके द्वारा जो विचार बोले गए हैं वो आप उनसे क्रियान्वित भी हैं, आप उनको अपने जीवन में भी अमल करते हैं। तो महोदय मैं उस विचार की इच्छा रख रहा हूँ जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रवाहित हैं और वो विचार स्वामी विवेकानंद जी का है जिसको आप अपने जीवन में भी फॉलो करते हैं, आत्मसात करते हैं उस चीज़ का। तो सर वो विचार क्या है जो हमारे लिए भी आगे जाके बहुत अच्छा साबित हो सकता है? फर्स्ट थिंग पवन, थैंक यू सो मच। मैं जब बचपन में था तो सबसे पहले कोटेशन अगर मैं स्वामी विवेकानंद का याद किया था तो वो था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। और शायद मैं यही अपने जीवन में धारण करके चलता हूँ क्योंकि मैं एक टारगेट जब डिसाइड करता हूँ जब तक उसे पूरा कंप्लीट ना कर लूँ तब तक मैं रुकता नहीं हूँ। ये मेरे लाइफ का एक मोटो है, एक लाइन है जो मैं उसे लेके चलता हूँ। यस सर। सर हमने लास्ट में देखा आप सर थोड़ा ध्यान की ओर भी अग्रसरित थे। आप सर क्या आप मेडिटेशन को करते हैं या इस चीज को बढ़ावा देते हैं? जैसे कि हमने देखा स्वामी विवेकानंद जी बहुत सारी गुफाओं में तप किया, साधना किया, तभी जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फर्स्ट थिंग तो मैं पवन बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद उनका नाम विवेकानंद नहीं था, उनका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं तो उनका विवेक देख के रामकृष्ण परमहंस उनका नाम रखते हैं विवेका, जिसका मतलब होता है बोध। रामकृष्ण परमहंस भी अचानक से वो एकाग्र हो जाते थे, वो ध्यान मुद्रा में चले जाते थे। और जब स्वामी जी को वो देखते हैं, विवेकानंद को देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि तू मेरे जैसा ही है, अभी तक मैं जिसे ढूंढ रहा था तू मिल गया। तो एकाग्रता स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी एक तरीके से प्लस पॉइंट थी। बचपन में वो बहुत शरारती थे, आप अगर उनका जीवनी पढ़ोगे तो बहुत शरारती थे, लेकिन बोला जाता है कि जो उनका एकाग्र मन था वो एक तरीके से दैवीय शक्ति के थ्रू उन्हें मिला हुआ था। वो एक बार, आप एक कहानी है जब
एक जगह वो बच्चे खेल रहे थे, वो एकाग्र आई मीन मेडिटेशन में वो चले जाते हैं, तभी अचानक उनके सामने एक सांप आ जाता है। बच्चे चिल्लाते हैं, वो सुनते ही नहीं है। माँ बाप आते हैं, सांप को भगाते हैं और फिर उस नरेंद्र को जगाते हैं और बोलते हैं, तू किस मग्न में था, कहाँ तू खोया हुआ है, तुम्हारे सामने इतने तेजी से बच्चे चिल्ला रहे हैं और तुझे सुनाई नहीं देता। तब वो बोलते हैं कि मैं तो मग्न था, मैं एकाग्र था। तो कुछ जो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अलग होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं अपने कर्म से, अपने तेज से। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो राघवेंद्र, थैंक मच। यू सो मच। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बताना चाहूंगी एक बात कि राघवेंद्र मेरा पुराना स्टूडेंट है लॉ कॉलेज में। राघवेंद्र एक बहुत ही शांत स्टूडेंट, जो क्लास में बिल्कुल चुप, लेकिन कभी भी कोई भी इवेंट है जिसमें राघवेंद्र को अगर 10 बजे इवेंट स्टार्ट है, 9:55 पे भी बोला है कि राघवेंद्र आपकी जरूरत है यहाँ पर, तो राघवेंद्र नहीं कभी ना नहीं कहा, यही कहा कि यस मैम, और हमेशा वो कुछ नया ही लेकर आए। तो आज भी राघवेंद्र, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा की तरह आपको यही कहूंगी, राघवेंद्र अगेन थैंक यू सो मच कि आपने इस तरह से अचानक से हमारे एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और सच में स्टूडेंट्स ने बहुत बहुत बेनिफिट लिया आपके आज के स्पीच का। आपने स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर किया, लाइक एज यूजुअल इन द कॉलेज टाइम आल्सो स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू गेट मच इंस्पायर फ्रॉम राघवेंद्र स्पीच, एंड इवन राघवेंद्र हैज टुक मेनी इनिशिएटिव्स एट द कॉलेज लेवल आल्सो, लाइक ही हैड स्टार्टेड मेनी कैंपेन्स टू यू नो गेट रिलीफ टू द पीपल हु आर इन मच नीड, ईदर इट इज फाइनेंशियल और सम अदर काइंड ऑफ। सो राघवेंद्र, आवर स्टूडेंट्स वॉन्ट यू टू ज्वाइन आवर स्टूडेंट्स ऑफ लिबरल आर्ट्स व्हेन एवर द कॉलेज स्टार्ट्स ऑफलाइन। I have received many requests on my WhatsApp. Ashi, Aisha, Sayantani, and many, many of our juniors, they are also giving me the writing, ma'am, he is a very good speaker. We look forward to see him in the university at our campus and offline. So thank you so much once again from the School of Liberal Arts, from my dean, from Vice Chancellor sir, and from our Chancellor sir, and from all the students. I'm thankful to all the students for showing their patience and listening to him so patiently. Thank you all the students. Thank you Raghvendra. और जरूर आपको अब हमारे यहाँ आना पड़ेगा। सेवा मैम। मैं आपको बड़े हक से कह रही हूँ कि राघवेंद्र आपको आना पड़ेगा। ओके मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू राघवेंद्र। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट बेटे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।